इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने तक्षशिला परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 253 से ऊपर कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए ये हड़ताल कर रहे। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने हाथ में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया। तभी कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल की घड़ी में हमें मजबूरन इस प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा। साथ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलहाल यह हड़ताल 2 दिवसीय है और अगर मांगे नहीं सुनी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी कर्मचारी जाएं। हमारे साथी जो 45 साल 3 बच्चों के कारण जिनका नियमित तिथि नहीं हो पाई है, उन कर्मचारियों को हमने वेतन वृद्धि की मांग की है, जो समान पर समान वेतन मान की मांग है हमारी, क्योंकि एक वर्षों से 30-30 सालों से कर्मचारी हमारा काम कर रहा है, आज 8,500 रुपये 9,000 रुपये में व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए मजबूर है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें ढीला रवैया अपना रहा है और अगर 14 तारीख तक के हमने स्वयंबद्ध आंदोलन रखा है, अगर उनके द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद में 15 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। जिंदाबाद।